करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टेड मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो पेपर हुआ था सीटेट 2022 का, 28 दिसंबर 2022 अभी जो शिफ्ट आपकी कंप्लीट हुई है उसी का एनालाइज यहाँ पे करने वाले हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिन बच्चों का कल पेपर है या फिर उसके बाद आपका पेपर है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। उनको आइडिया मिल जाएगा कि उनको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस तरह से उनको अपना जो तैयारी वो कर रहे हैं उसमें और ज्यादा वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें मैं बताने वाले हूँ, किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए सीडीपी के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल वन का पेपर है भाई ये। ठीक है, सीडीपी के अंदर लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की इतना इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक रहता है सीटेट के अंदर, अभी तक जितनी भी आपकी लास्ट ईयर शिफ्ट होती सभी में लेव वाइगोत्स्की एक नहीं दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप लास्ट ईयर पेपर उठा के देखना, लेव वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन तो 100% हर एक शिफ्ट में देखने को मिला, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन तक यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की ने ही कवर कर लिए थे। तो ये वाला टॉपिक आज की शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको घोट के पी जाना है, जेडपीडी वाला कंसेप्ट, एमकेओ, ये सारी चीजें आपको, छोटा सा टॉपिक है भाई, मैंने भी कराया हुआ अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हो या फिर कहीं किसी यूट्यूब चैनल से आप कर लेना। लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक या दो नंबर मैं कहूँ पक्के करवा देगा आज की शिफ्ट में लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जीन प्याजे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, ऑफलाइन भी पूछा जाता था और ऑनलाइन भी पूछा गया। ठीक है, जीन प्याजे आपको करना है, कॉल वर्क से क्वेश्चन आ रहा है आज की शिफ्ट में, कॉल वर्क से क्वेश्चन आया था। ठीक है, नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, नॉम चॉम्स्की छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से कर जाना है। नॉम चॉम्स्की से सीडीपी के अंदर भी क्वेश्चन आएगा, और आपकी जो लैंग्वेज होती है आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज वन में आपने हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, दो आपकी लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती है, वहां भी नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चंस बनता है और सीडीपी के अंदर भी नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चंस बना है। ठीक है, तो आपको ये वाला टॉपिक भी करके जाना है। उसके बाद एनईपी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी से देखने को मिले, लास्ट ईयर भी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे क्वेश्चंस बने थे, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले और इस साल भी मिल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में ही दो क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। अच्छे से आपको एनईपी करके जानी है। ठीक है, आपका एक नंबर तो पक्का है ही है, किसी किसी में शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो दो से तीन का नंबर आपके कवर हो जाएंगे, आपको एनईपी करके जानी है। एनसीएफ से क्वेश्चन, नेशनल कैलकुलर फ्रेम, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। एनसीएफ 2005, यहां से अगर आप ये टॉपिक क्लियर करते हो तो आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दो से तीन क्वेश्चन, और आपके जो है पेडागोजी भी आपको सॉल्व करने में ये मदद करता है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आपको एनसीएफ करके जाना है। उसके बाद आपका समायोजन से क्वेश्चन देखने को मिला, बाल विकास से क्वेश्चन देखने को मिला आपके सीडीपी के अंदर, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं, यही आपके लास्ट ईयर कंडक्ट हुए थे। ठीक है, जब पेपर ऑनलाइन, तो वहां क्वेश्चन देखने को मिले थे इन्हीं टॉपिक से, और इन्हीं टॉपिक से अब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको करके जाने हैं। उसके बाद आपका ईवीएस, ईवीएस को ध्यान से सुन लीजिए, ईवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्लॉट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्लॉट ये आपका भालू के जैसा दिखता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से स्लॉट के बारे में जो पॉइंट आज पूछा गया है, उससे जो जितने भी स्लॉट के जितने भी पॉइंट है, तो आपसे वो पूछ नहीं सकता किसी ना किसी शिफ्ट में, तो आपको स्लॉट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो आपको करके जाने हैं। ठीक है, ये अपने जीवन में लगभग 8 पेड़ों का अपना जीवन व्यतीत करता है, 17 घंटे ये पेड़ से उल्टा लटका रहता है। ठीक है, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, 17 घंटे ये सोता है पेड़ पे उल्टा लटक के। ठीक है, जो होता है हफ्ते में एक ही दिन सोच के लिए नीचे उतरता है, और जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ की सारी पत्तियों को ये खाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा ही रहेगा अपने पूरे जीवन में, 40 वर्ष की इसकी उम्र होती है, उसमें सिर्फ 8 ही पेड़ों पर गुजरता रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है स्लोथ के बारे में। रेगिस्तानी ओक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको करके जाने हैं, जो शिफ्ट में आज पूछा गया था उसमें अलग शिफ्ट में आपसे कोई और पॉइंट पूछ ले, तो रेगिस्तानी ओक से आपको क्वेश्चन करना है। इस तरह से पॉइंट दे दिए गए, उसमें से आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पॉइंट रेगिस्तानी ओक का नहीं है। ठीक है, तो आपको रेगिस्तानी ओक से सारी चीजें क्लियर करनी है। उल्लू से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उल्लू को आपको करना है, मैना एक झटके में गर्दन को पीछे करती है, ये आपको करना है।
तो ये सारी चीजें आपको, उल्लू हो गया, कौआ हो गया, ठीक है, सबसे ऊंची पेड़ पे डाल पे कौन घोंसला बनाता है, तो कौआ बनाता है, लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, शक्करखोरा, तो इस तरह से आपको सारी चीजें करके जानी है पक्षियों से संबंधित, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका पक्षियों से भी देखने को मिला है, और पहले भी मिलता था और आगे भी हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उल्लू पूछ लिया था, क्या पता आपसे मैं ना पूछ ले, तो आपको करके जानी है। या था यार ट्रेन से क्वेश्चन देखने को मिला, हाथी से क्वेश्चन देखने को मिला, और एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का मिला था, ठीक है, वो आपको करके जाना है, दिशाओं वाला, वो भी क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस तरह से आपको जो आपका पैटर्न रहता लास्ट ईयर और उससे पहले ऑफलाइन रहता था, मोस्टली वही चीजें रिपीट हो रही हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करना है, जो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है उन पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईवीएस का, जो आठ चीजें पूछी गई है। उसके बाद में वैन हीले की थ्योरी आपको करनी है, मैथ के अंदर दी हुई है, ठीक है। तो वैन हीले आपको करके जाना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है वैन हीले से सीटेट के एग्जाम में, ठीक है, लेवल वन में भी और लेवल टू में भी। स्किनर से क्वेश्चन बना, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आपको करने, अगर पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आप कर पाते हो उनको आप समझ लेंगे कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, तो आप आंसर इजिली लगा लोगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों का कहना है जो आपका मैथ था जिसमें वो पेडागोजी पूछी गई थी, अगर आप पे पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आते हैं तो आप इजिली मैथ को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि, उपचारात्मक शिक्षण, निगमनात्मक शिक्षण, ठीक है, ये आपको सभी करके जानी है। तो ये सारी चीजें आज के पेपर में पूछी गई है, और नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा तो इसी तरह से आपकी चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको अच्छे से अपना रिविजन कर लेना है, लास्ट टाइम पे आपको मैराथन क्लासेस अटेम्प्ट करनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर सीडीपी के ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं पूछे गए हैं, ठीक है, और जो पूछे जाते हैं सारे एक घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने कंप्लीट आपकी सीडीपी करवाई हुई है, एक घंटे में आपके सारे ही टॉपिक कवर कराए हुए हैं, वो वीडियो देख लेना अगर आप कहोगे तो। इसी तरह से मैथ हो गया आपका, ठीक है, ईवीएस हो गया, इनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक एक वीडियो में, एक घंटे में आपका कंप्लीट रिवीजन के साथ मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वो वॉच कर सकते हैं, और ये और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, आप वहां से मैराथन क्लास अटेम्प्ट करें, लास्ट टाइम पे अपना रिवीजन करें। आपका जिनका बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल के पेपर में, सेकेंड लेवल का पेपर भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।